इन्हीं दिनों हमारे अम्मा के छोटे भाई जमशेद मामू छुट्टियां मनाने आए शिकार के शौकीन पक्के शिकारी आते ही उन्होंने सीधा निशाना आपा को बनाया। हर काम के लिए बस आपा की पुकार। और आपा की और है कि कान में रुई ठूस कर बैठी रहती कान बहरे हो गए क्या जा सुनकर आ अम्मा चिल्लाती तो कोसती गालिया बगती आपा उनके कमरे में पहुंच जाती भला हाके के बाहर हिरनी कूद सकती थी और आपा जमशेद मामू की हवस का शिकार हो गई बड़ी बड़ी शो आंखें एकदम नीचे झुक गई इधर अम्मा आपा की बातचीत तय करने में लगी थी मेरी छोटी सी बुद्धि में इतनी ढेर सारी गड़मड़ बातें एक साथ बैठ नहीं पा रही थी प्यार किसी से हवस की शिकार हुई किसी दूसरे की और अब शादी तीसरे से तय हो रही थी